लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने यह जानकारी दी। बोरेली ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 133 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में अधिकतर 80 से 90 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस के एक दिन रोम इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने यह जानकारी दी। बोरेली ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 133 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में अधिकतर 80 से 90 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस के एक दिन में 1500 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7375 हो गई है। इटली का उत्तरी लोम्बार्डी प्रांत इससे सर्वाधिक प्रभावित है, जहां सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तरी और केंद्रीय क्षेत्रों में यात्रा संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। कोरोना वायरस से मोडेना, परमा, पियासेजा, रेडियो एमिलिया, रामने, पेसारो और उर्बिनो, एलेसेंड्रा, एसटी, नोवारा, वर्बानो, क्यूसियो, ओसोला, वर्सेली, पादुआ, ट्रेविसो और वेनिस आदि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।